किस्मत के भरोसे आप बैठे हैं, किस्मत के भरोसे आप बैठे हैं, यहाँ तो मेहनत दिन रात चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, हार कैसे मान लूँ यार, जीत का इंतजार तो मेरी माँ कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी लोगों को HP YouTube क्लासेज में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज एक जबरदस्त वीडियो होगी। दोस्तों हम आज की जो वीडियो लाए हैं दोस्तों, वो कक्षा 10 के आने वाले समय में जो आगामी मार्च में परीक्षा होगी 2022 में कक्षा 10 के होगी। दोस्तों मैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, जो कक्षा 10 में गणित के पेपर में आएगा। दोस्तों उन 5 क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे, हल कराएंगे। और देखिए दोस्तों, 5 क्वेश्चन को मैं एक बार पुनः आपके स्क्रीन पर रखा हूँ, उसके बाद मैं एक क्वेश्चनों को एक एक करके हल कराऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखना दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा। और आने वाले समय में आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयारी करके चले जाएंगे। और 100% एक गारंटी के साथ में कह रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है, देखिए कहा है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, x²-3x - 10=0 द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। जो चौथा क्वेश्चन हमारा है आज का, वो दोस्तों है बिंदु 2, 3 फिर उसके बाद 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जो पांचवा क्वेश्चन है, sin 60° × cos 30° + sin 30° × cos 60° का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इन क्वेश्चनों को मैं बारी बारी से आपको हल कराऊंगा, इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं एक विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग पछताओगे दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलिए दोस्तों मैं इन क्वेश्चनों को एक एक करके हल कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन लिखा है, 3825 का अभाज्य गुणनखंड विधि से या गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है। दोस्तों इसको हम हल कैसे करेंगे, इधर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है आपका 3825, ठीक है 3825, तो इस तरह से लिखा है का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले आप इसको ऐसे खंड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं 3825, ठीक है 3825 लिखा है, इसको आप काटेंगे। दोस्तों यहाँ से इसको आप 5 से पहले काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 × 7=35 कितना बचा दोस्तों, 3 बचा, 3 यहाँ से कितना हो गया 32, 5×6=30 फिर 2 बचा, 5×5=25 फिर 5 से काट लेते हैं, 5×1=5 2 बचा 26 हो गया, 5×5=25 1×15 हो गया, 5×3=15 अब इसको हम 3 से काटेंगे, 3×5=15 3×1=3 ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3×1=3 2 बचा 17 हो गया, 3×7=21 फिर 17 × 17=17। देखिए इस तरह से हमने इसका क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया, कितने में 5×5×3×3×17। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा तो आप यहाँ लिखेंगे 3825 = ठीक है दोस्तों इस तरह से लिखेंगे 3×3×5×5×17। ठीक है, बस दोस्तों इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं, यही आपका दोस्तों आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको कम से कम 2 नंबर तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन इसका लेके आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। लिखा है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालना है। दोस्तों हम करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर जिसे लिखा है 12, 15, 21 लिखा है, तो आप ऐसे लिखेंगे 12 लिखेंगे। ठीक, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2×2×2×4 4×3=12। ठीक, इसी प्रकार से 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है
तीन गुणे पांच, तीन पच्चे पंद्रह, उसके बाद दोस्तों 21 लिखेंगे, ठीक है। 21 क्या लिखेंगे, तीन गुणे सात, तीन गुणे सात, तीन सत्ते 21। दोस्तों हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, तो हम देख लेंगे। अगर कहा जाए पहले इस तरह से आप लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। अगर हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ में दोस्तों क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है, तो तीनों में आप देख रहे हैं कॉमन क्या हो रहा है, एक तीन यहाँ है, एक तीन यहाँ है, एक तीन यहाँ है, तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना निकल के आ गया, तीन निकल के आ गया। अगर हम कहें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम में क्या होता है, जो तीनों में मिलता है उसको ले लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, दो यहाँ दो है, बाकी और कहीं नहीं, तो इसको आप ले लीजिए पहले दो गुणे दो, ठीक। तीन आपका तीनों में मिल रहा है, एक ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों पांच, पांच एक है, पांच ले लेते हैं। उसके बाद सात, सात ले लेते हैं। चलिए अब इनको हम आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ये देखिए दो दूनी चार, चार चार तियाई बारह, बारह पंचे साठ, साठ साठ का हम सात में गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 420। तो चूंकि 6 × 7 = 42, इस तरह से आपका एचसीएफ निकल के आ गया तीन, एलसीएम निकल के आ गया दोस्तों 420। तो दोस्तों इस वीडियो को को भी आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन ला रहा हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, वो लिखा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। देखिए भाई इसमें क्या है कि आपको द्विघात समीकरण हल करना है, तो द्विघात समीकरण आपको हमने हल कराया है, तो उसको उसको कैसे हल करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x है, माइनस 10 बराबर 0, 10 का आप ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस 3, तो 5 × 10, 5 × 10, 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x से प्लस 2x से माइनस 10 बराबर कितना, 0। इस तरह से इसमें हम x कॉमन लेंगे, दो दो का जोड़ा बना करके कॉमन लिया जाता है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा, 5, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा, 5 बराबर कितना, 0। x प्लस 2 एक कोष्ठक में दोस्तों, उसके बाद x माइनस 5 एक कोष्ठक में, बराबर क्या लगा देंगे, 0, ठीक। इसका इस तरह से हम पक्षांतर करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, x बराबर कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। एक और कर लें, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कितना निकल के आ गया, 5। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो मूल निकल के आ गया, इस तरह से हम लिख देते हैं यहाँ पर मूल x बराबर, x बराबर आपका आ गया माइनस 2, 5, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल आप सेकंडों में सीख ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ला रहा हूँ आप इस। चलिए भाई देखते हैं आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा वो क्या है। दो भाई देखिए बिंदु कह रहा है 2, 3, फिर उसके बाद 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा जो बिंदु दिया है वो क्या दिया है, देखिए 2, 3, ठीक है, फिर उसके बाद 4, 1। ये देखिए यहाँ पर आपका पहला बिंदु x1, ये y1, ठीक है। यहाँ से दूसरा बिंदु x2, y2, मतलब ये समझ में आया हमें कि x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान 4, y1 का मान कितना, 1। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा, दूरी, ठीक है। दूरी को दोस्तों हम लिखते हैं d से, किससे लिखते हैं d से, d बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आता है उत्तर दोस्तों मात्रक में आता है, ठीक है। देखिए x1 का मान हमें कितना मिला है, 2, माइनस x2 का मान कितना मिला है, 4 का स्क्वायर, प्लस y1 का मान मिला है कितना, 3, माइनस y2 का मान मिला है 1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लगा देंगे। इसको आप घटाएंगे तो माइनस कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर, इसको आप घटाएंगे तो मिलेगा 2 का स्क्वायर,
ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा आपका, ये देखिए माइनस दो कवर करेंगे तो क्या आएगा, चार आएगा, अब प्लस दो कवर करेंगे तो तब भी चार आएगा, तो चार चार कितना हो गया आठ। इधर लिख रहे हैं देखिए अंडर रूट चार चार कितना हुआ आठ, आठ का आप गुणनखंड करके वर्गमूल निकालेंगे इस तरह से, दो दूनी चार दूनी आठ। देखिए यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है, जब एक जोड़ा बनता है तो आप उसका वर्गमूल बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप करेंगे क्या, दो रूट दो, इसका उत्तर लिखते हैं किसमें, मात्रक में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आज का लेके आ रहा हूँ। चलिए भाई देखते हैं आज का हमारा जो पांचवा क्वेश्चन, आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों। साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश का मान ज्ञात होना, ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पर हमें क्या होगा कि त्रिकोणमिति की सारणी याद होनी चाहिए, त्रिकोणमिति की सारणी याद होनी चाहिए आपको। मैं त्रिकोणमिति की सारणी भी याद करा दूंगा, इसके बाद एक वीडियो डाल दूंगा वहां त्रिकोणमिति की सारणी कैसे याद की जाती है, बिल्कुल आसान तरीके से हम उसको भी बता देंगे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों हल में क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है साइन 60 अंश, एक बार देख लेते हैं, साइन 60 अंश से इंटू कॉस 30 अंश, ठीक है, प्लस साइन 30 अंश से इंटू कॉस कितना लिखा है 60 अंश। देखिए साइन 60 अंश का मान होता है आपका अंडर रूट 3 बटे 2, कॉस 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2, प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटा 2, कॉस 60 अंश का मान होता है 1 बटा 2, ठीक है। यहाँ पर गुणा है, गुणे में ऊपर भिन्न में अंश, अंश का गुणा हर हर का गुणा। देखिए रूट तीन, रूट तीन का गुणा करेंगे तो तीन त्रिका नौ, नौ का वर्गमूल तीन आ जाएगा, बटे लगाएंगे दो दूनी चार, प्लस लगाएंगे देखिए एक इकन्ना एक, दो दूनी चार, ठीक है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह जरूर लगाना, देखिए यहाँ पर हर आपका भिन्न में बराबर है तो आ जाएगा चार ऊपर तीन प्लस एक, तीन कितना आ जाएगा चार, तो इस तरह से आ जाएगा आपका चार बटे चार, ठीक है, चार करना चार, तो आपका उत्तर कितना आ गया भाई एक, ठीक है। तो इस तरह से आपका पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए और अपने भी साथियों को दिखाइए, आने वाले समय में आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि 100% ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में और आप क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे, ठीक है। मैं अगला जो इसके बाद आपका और क्वेश्चन लाऊंगा, इसके बाद वीडियो वाले लाऊंगा, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को अपने इस प्यारे से यूट्यूब पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद।